हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई? तो यार, आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे AI EEE 2005 का पेपर का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने टोटल तीन पार्ट दिए हैं, जिसमें टोटल हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन AI EEE 2005 में टोटल 75 क्वेश्चन आए थे। तो बाकी के क्वेश्चन आगे के पार्ट में एंड इस पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यार, इस चीज़ का बेनिफिट तब होगा तुम्हें जब तुम्हारे सामने क्वेश्चन आए, उस क्वेश्चन को तुम खुद से सॉल्व करो। एंड इसको इस तरीके से मत सोचो कि एक बस प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन दिया हुआ है। यहाँ पे तुम्हें हर एक क्वेश्चन के थ्रू एक कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है। अगर ये सोच के चलोगे ना कि एक भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुमने देखा और एक कॉन्सेप्ट तुमने सीख लिया, उस चैप्टर का रिवीजन हो गया तुम्हारा, दिस मीन्स ये वीडियो देखना तुम्हारा सफल हो गया। एंड जब उसी कॉन्सेप्ट पे उसी टाइप का क्वेश्चन जेई मेन्स में दोबारा आएगा, तो तुम उस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी सॉल्व कर लोगे। क्यों? क्योंकि तुम कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो चुके हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। एंड इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेंगे क्योंकि ये दोबारा कभी भी अपीयर हो सकता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जेई मेन के लेवल से थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन में मुझे सबसे पहले दिख रहा है कि ओवरऑल स्क्वायर है, एक ओवरऑल स्क्वायर है, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट में कहीं भी ओवरऑल स्क्वायर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इस स्क्वायर को स्प्लिट कर देते हैं। ऊपर गया लॉग एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, नीचे आया वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ओवरऑल स्क्वायर, ये ना भूले। अब मुझे ये स्प्लिट करने का दिमाग में कहाँ से आया, सबसे पहली बात ये सोचो, स्प्लिट करने का दिमाग में कहाँ से आया, इस चीज को सोचते हैं। अब मैंने देखा कि जब मैं ऊपर वाले को स्प्लिट कर दूंगा तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी नीचे है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि ऑलरेडी नीचे है, 2ab एक एक्स्ट्रा बनेगा, उसको देख लेंगे। 2ab एक एक्स्ट्रा बनेगा, उसको देख लेंगे। ओके, तो चलो इसको अभी स्प्लिट करेंगे। यहां से ये इंटीग्रेशन बन गया, इंटीग्रेशन वन का स्क्वायर वन लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab डिवाइडेड बाय वन प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर, वन प्लस लॉग एक्स के स्क्वायर का होल स्क्वायर, इधर भी वन प्लस लॉग एक्स के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम देखोगे ना, तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एक ही क्वेश्चन से। बहुत ही प्यारा सा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। अब यहाँ से कुछ तो सिंप्लीफिकेशन हुआ, यहाँ से एक सिंप्लीफिकेशन हुआ। ऊपर बन गया वन, नीचे वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बचा फर्स्ट टर्म में। सेकेंड टर्म में तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे ज़्यादा, टू लॉग एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx। अब हमें क्लियरली दिख रहा होगा यार, हर जगह लॉग एक्स लॉग एक्स लॉग एक्स है। हमने थोड़ा बहुत तो सिंप्लीफाई किया, लेकिन अब लॉग एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, तो हमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करने से लिए एक बहुत बच्चे ये सोच सकते हैं कि लॉग एक्स के होल स्क्वायर को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो। लॉग एक्स के होल स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टू टाइम्स लॉग एक्स इंटू वन अपॉन एक्स डी एक्स बनेगा, जहाँ पे टू टाइम लॉग एक्स इंटू डी एक्स को डी टी लिख पाएंगे। लेकिन यहाँ पे लोचा तुम्हें समझ में आ रहा है, वन अपॉन एक्स एक एक्स्ट्रा आ रहा है, वन अपॉन एक्स कहीं से जनरेट नहीं होगा। ये भी करके तुम कर सकते हो, क्योंकि लॉग एक्स के होल स्क्वायर को तुमने टी लिया है तो लॉग एक्स इज इक्वल टू रूट टी हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर रूट टी हो जाएगा, लेकिन तुम्हें दिख रहा है रूट रूट आ जाएगा। इसलिए हम लोग स्क्वायर को ना सब्स्टिट्यूट करके इस टाइप का क्वेश्चन देखो, लॉग एक्स को टी ले ले, लॉग एक्स को टी लेंगे तो अब डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करोगे दोनों साइड, तो फिर से एक वन अपॉन एक्स का लोचा आ जाएगा। वन अपॉन एक्स का लोचा ना आए उसके लिए वी कैन से कि एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, ई टू द पावर टी, है ना। अच्छा, दिस मीन्स टी एक्स इज इक्वल टू
ई टू द पावर टी का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर टी इंटू डी टी। सिंपल, लॉग एक्स को टी रखेंगे, डी एक्स को ई टू द पावर टी इंटू डी टी रखेंगे, रख देते हैं, इससे कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा। वन अपॉन वन प्लस लॉग एक्स को टी रखा तो ये टी स्क्वायर आया, माइनस टू टाइम्स लॉग एक्स को टी रखा, डी एक्स को ई टू द पावर टी रखा डी टी, डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो ये जो ई टू द पावर टी डी टी है ये ओवरऑल है, ऑब्वियस सी बात है, डी टी एंड ई टू द पावर टी। ओके, यहां तक काम बन गया, लेकिन ये वाला स्टेप जैसे ही लिखा हमने, ये वाला स्टेप जैसे ही लिखा, तुम्हें कुछ याद आना चाहिए। एक बहुत ही चिल्ला चिल्ला के बता बता के सिखाया जाता है, चाहे वो ट्वेल्थ बोर्ड हो या फिर जेई का सिलेबस हो, एक फंडा बहुत ही प्यारा समझाया जाता है कि जब भी इंटीग्रेशन के अंदर ई टू द पावर एक्स बाहर आ जाए एंड ब्रैकेट में दो फंक्शन हो और अगर वो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा हो तो आंसर जो होता है अपना डायरेक्टली ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स हो जाता है। नहीं याद था तो आप समझ लो, अगर जब भी ई टू द पावर एक्स हो ब्रैकेट के अंदर कुछ आए एंड दो फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, और बस ध्यान से देखना कि एक फंक्शन है एक दूसरे के उसका डिफरेंशिएशन है, तो इस फंडे से काम बन जाएगा एंड इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली उसी पे बेस्ड होगा। तो यहां पे एक बार ट्राई करते हैं, ई टू द पावर टी मुझे बाहर दिखा, अंदर एक फंक्शन दिखा, अब उसका क्या डिफरेंशिएशन ये है एक बार चेक करो। तो तुम बोलोगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, ऊपर वन प्लस टी स्क्वायर वैसे का वैसे, वन का डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस वन प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टी, वन जैसे का तैसे। इसका मतलब ये तो आ गया माइनस टू टी डिवाइड बाय वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो कि हू बहू यही लिखा हुआ है। ओके, दिस मीन्स ये पूरा का पूरा चीज इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। सो हमारा आंसर जो होना चाहिए वो आना चाहिए ई टू द पावर टी इंटू एफ, एफ कौन है, वन इंटू वन प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। ये आंसर है जहां पे टी हमने किसको माना था, लॉग एक्स को माना था। सो ई टू द पावर टी बेसिकली एक्स हो जाएगा एंड वन प्लस टी स्क्वायर मतलब लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। ये आंसर हो गया अपना इस इंटीग्रेशन का, x डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4। इसलिए मैंने बोला था इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप तुम बहुत कुछ सीखे होगे एंड तुम्हें हर चीज समझ में आ गया होगा। तो यही है, इसलिए मैंने बोला था एक भी क्वेश्चन देखो तो उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, भले ही तुम एक क्वेश्चन देख के वीडियो स्किप करके चल जाओ, आधा क्वेश्चन तो देखो मत कभी, पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखा करो, एक ही क्वेश्चन देख के चले जाओ या पूरा वीडियो देखो। लेकिन यार मेन मकसद ये है कि तुम कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बनो, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन देने से कोई फायदा नहीं है, सॉल्यूशन तुम्हें हर जगह मिल जाएगा यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट एफ आर टू आर बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन हैविंग एफ ऑफ टू इज इक्वल टू सिक्स, एफ डैश टू की वैल्यू भी दी हुई है, देन ये लिमिट निकालना है। इस लिमिट को ध्यान से देखो, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स टू, ये तो बच्चों को याद हो गया होगा अगर तुम मेरा वीडियो फॉलो कर रहे हो तो। अब देखो ये पूरा का पूरा लिमिट के अंदर इंटीग्रेशन है, सिक्स से एफ एक्स, फोर टी क्यूब डी टी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। अब ध्यान से देखना, सबसे पहली बात तुम्हें यह समझना है कि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तुम बोलोगे सर डी टी मतलब टी के रिस्पेक्ट में। अच्छा, अगर मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इंटू एक नया जी टी, इंटीग्रेशन मैं टी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, दिस मीन्स इसका इंटीग्रेशन होगा और ये कॉन्स्टेंट के तरह ट्रीट होगा, मतलब एफ एक्स को इंटीग्रेशन के बाहर निकाला जा सकता है। ओके, दिस मीन्स
यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। दिस मीन्स इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स टू इंटीग्रेशन 6 से एफ एक्स इंटीग्रेशन 4t³ dt का डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू अलग से। अच्छा, अब लिमिट निकालने का सबसे बेसिक फंडा क्या होता है? लिमिट निकालने का सबसे बेसिक फंडा ये होता है कि सबसे पहले इनडिटर्मिनेंट फॉर्म चेक करो। जैसे ही एक्स को 2 डालोगे यहाँ जाएगा f(2) तो 6 है, मतलब इंटीग्रेशन का लिमिट 6 से 6। इंटीग्रेशन का लिमिट अगर 6 से 6 आ गया मतलब ऊपर वाला तो 0 हो गया एंड नीचे तो 0 है ही, मतलब 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन का लिमिट एक वेरिएबल के फॉर्म में है, तो तुम्हें कुछ ना कुछ याद आना चाहिए। न्यूटन लेबनिट्स फार्मूला वो बोलता है कि भाई इंटीग्रेशन के लिमिट में अगर कोई वेरिएबल हो एंड डिफ्रेंशिएट करना हो तो मुझे यूज़ कर लेना। सिंस 0/0 फॉर्म है तो मैं यूज़ क्या करूँगा, LH रूल यूज करूँगा। अब जब LH रूल यूज करूँगा तो LH रूल यही तो बोलता है कि भाई न्यूमरेटर को अलग से डिफ्रेंशिएट कर दो, डिनोमिनेटर को अलग से डिफ्रेंशिएट कर दो। तो कर देते हैं, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स टू, न्यूमरेटर को न्यूटन लेबनिट्स फार्मूला से अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे 4 × t के जगह पूरा का पूरा ऊपर वाला फंक्शन इंटू ऊपर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन माइनस 4 × नीचे वाला फंक्शन, नीचे वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, नीचे वाला सिंस कांस्टेंट तो वो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो सिर्फ ये बचा, इसका मतलब अल्टीमेट जो आंसर आया हमारा, अब कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बचा नहीं, 4 × f(2³³ f'(2) ये आंसर आना चाहिए। 4 × f(2) 6 है तो 6 × 6 × 6 f'(2)1/48 है, 48। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, 6 × 4 = 24, 24 × 2 = 3 तो 6 × 3 = 18, ऑप्शन नंबर 4। बढ़िया क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ये मोस्ट ऑफ द बच्चों से हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल फिर से इंटरेस्टिंग है, देखना ध्यान से, कैलकुलस का क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं हम लोग। आई होप तुम्हें एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, ठीक है, एंड कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बनो, बार बार मैं ये बात बोलता हूँ, ठीक है। लेट एफ एक्स बी ए नॉन नेगेटिव कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब एफ एक्स कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं रहा है, ऊपर ही ऊपर है, ठीक है। सच डेट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू π/4 एंड एक्स इज इक्वल टू बीटा विच इज ग्रेटर देन π/4। ये जो एरिया बाउंडेड है एफ एक्स से, डेट एरिया इज इक्वल टू दिस, देन f(π/2) इज इक्वल टू व्हाट? सही है, f(π/2) तो बाद में निकाल लेंगे, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उस चीज को यूज करते हैं। ये जो एरिया है ये एरिया एक्चुअल में होता क्या हमें पता है, दिस एरिया इज सेम एज इंटीग्रेशन π/4 से बीटा fx dx, ये एरिया आता, लेकिन उस एरिया की वैल्यू जो दी हुई है वो कुछ ये है, बीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन बीटा प्लस π/4 मल्टीप्लाइड बाय कॉस बीटा प्लस √2 times beta। देन उन्होंने f(π/2) की वैल्यू पूछी है, ओके। अब इस चीज को ध्यान से देखो, यहाँ पे बीटा क्या है, अननोन है, एक वेरिएबल है, दिस मीन्स ये पूरा का पूरा वेरिएबल है, हाँ। अच्छा, यहाँ पे इंटीग्रेशन वेरिएबल के टर्म में इंटीग्रेशन हो रहा है, याद करो न्यूटन लेबनिट्स तो यही बोलता है ना, न्यूटन लेबनिट्स यही बोलता है। एक बार अगर इसको न्यूटन लेबनिट्स के फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो बीटा को मैं कुछ देर के लिए एक्स लिख रहा हूँ, π/4 से एक्स, एक्स को टी लिख रहा हूँ, बीटा को एक्स लिखा π/4, ये तुम्हारे इजी करने के लिए कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि एक्स चेंज करना था, तुम डायरेक्टली बीटा के टर्म में भी डिफ्रेंशिएट कर सकते थे। अब मैंने एक्स लिख दिया तो तुम्हें डायरेक्टली दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि यस दिस इज न्यूटन लेबनिट्स। इंटीग्रेशन का वेरिएबल लिमिट है,
इंटीग्रेट कर दो, सॉरी डिफरेंशिएट कर दो। जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे तुम्हें एफ एक्स आ जाएगा। न्यूटन लेबनिट्स लगा दो, एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, और नीचे सिंस लिमिट पाई बाय 4 है विच इज कॉन्स्टेंट तो वो 0 इज इक्वल टू इधर साइन बीटा नहीं साइन एक्स। ओके, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 तो साइन एक्स जैसे का तैसा, प्लस एक्स को रख दिया साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, पाई बाय 4 जैसे का तैसा कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस √2। क्लियर हो गया, डायरेक्टली एफ एक्स आ गया। एफ ऑफ पाई बाय 2 मुझे चाहिए, तो पाई बाय 2 वैल्यू पुट कर दो एक्स की जगह। एफ ऑफ पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 1 होता है, कॉस पाई बाय 2 0 होता है, माइनस पाई बाय 4 इंटू साइन पाई बाय 2 1 होता है प्लस √2। सो द आंसर इज 1 प्लस √2 माइनस पाई बाय 4, 1 प्लस √2 माइनस पाई बाय 4, 1 प्लस √2 माइनस पाई बाय 4, ऑप्शन नंबर 4। सिंपल, बस न्यूटन लेबनिट्स फार्मूला का एप्लीकेशन है। बहुत लोग ये सोच सकते हैं कि न्यूटन लेबनिट्स क्या है, तो मैं एक बार लिख देता हूं। अगर इंटीग्रेशन है सारे पी एक्स से क्यू एक्स, इंटीग्रेशन किसी और फंक्शन का हो रहा है, लेट से इस फंक्शन को मैंने जी एक्स बोला, तो अगर मुझे जी डैश एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मैं एफ के अंदर पहले अपर लिमिट डालूंगा, देन अपर लिमिट का डिफ्रेंसिएशन, माइनस फिर से एफ के अंदर लोअर लिमिट डालूंगा, देन लोअर लिमिट का डिफ्रेंसिएशन। इसको बोलते हैं न्यूटन लेबनिट्स फार्मूला। ठीक है, इस तरीके से इंटीग्रेशन को भी डिफ्रेंसिएट किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दिख रहा है। लोकस ऑफ ए पॉइंट पी अल्फा से बीटा मूविंग अंडर द कंडीशन डेट द लाइन वाई इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा इज अ टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला। हमें किसका लोकस निकालना है, अल्फा बीटा का। जैसे वहां एच कॉमा के हम लोग मानते थे ना, तो एच कॉमा के जगह यहां पे अल्फा कॉमा बीटा मान लिया। ओके, अब बोला गया है कंडीशन क्या गिवन है कि ये जो लाइन है वाई इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, जो लाइन है दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो तब लोकस क्या होगा, तो देखो दो तीन मेथड हो सकता है। एक मेथड कैन बी तुम पूरा का पूरा टेंजेंट का कंडीशन लगा दो, मतलब वाई की वैल्यू उधर पुट करो, तो वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई के जगह अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन एक्स, क्वाड्रेटिक इन एक्स आ जाएगा, तो उसका तुम्हें अल्टीमेटली क्या करना होगा, डिस्क्रिमिनेंट को जीरो करना होगा। जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट को जीरो करोगे यू विल गेट अ रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ये था मेथड 1। इससे भी इजी मेथड हो सकता है कि हाँ, इससे इजी मेथड तब हो सकता है अगर तुमने स्लोप फॉर्म में हर चीज याद रखा है। अगर हाइपर बोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो, विच इज द स्टैंडर्ड 1, तो स्लोप फॉर्म में अगर टेंजेंट लिखने की कोशिश करे तो दैट टेंजेंट विल बी इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस अब देखो ये लाइन है वाई इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो क्लियरली वी कैन सी एम की वैल्यू अगर कंपेयर करेंगे तो अल्फा आएगा एंड बीटा की वैल्यू आएगी रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर का जगह अल्फा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सो ये तो हाइपरबोला है, दिख रहा है क्लियरली, अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज अगेन ए हाइपरबोला, हाइपरबोला अल्फा बीटा का हमें निकालना था लोकस। सो यही है, अगर तुम फॉर्मूला याद रखते तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी सॉल्व कर सकते थे। एंड सपोज फॉर्मूला नहीं याद है, तुम मेथड 1 लगाओ ना बिंदास, क्या ही दिक्कत है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालने तो हमें आता ही है। ओके, नेक्स्ट ये आ गया 3D से क्वेश्चन भाई। इफ द एंगल थीटा बिटवीन द लाइन एक्स प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू जेड माइनस 2 अपॉन 2 एंड द प्लेन दिस इज सच दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। देखो एक प्लेन है,
प्लेन को मैं टुडे बना रहा हूँ, एंड एक लाइन है लेट से, आई डोंट नो कि ये लाइन परपेंडिकुलर है क्या है, क्योंकि थीटा एंगल के बारे में ही बात चल रही है। एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन इज थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे 3D में वेक्टर से काम चलता है, वी नो द डायरेक्शन वेक्टर, लेट से वो डायरेक्शन वेक्टर बी वेक्टर है, एंड प्लेन में वी नो नॉर्मल वेक्टर। कोई बोलेगा नॉर्मल वेक्टर यही लाइन से पास करेगा, यही पॉइंट से? नहीं, वी डोंट नो, वो ऐसा हो सकता है कोई भी, है ना। बस ये मुझे पता है कि नॉर्मल वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सो अगर नॉर्मल वेक्टर बी वेक्टर पता है तो वी कैन फाइंड आउट दिस एंगल, दिस एंगल विल बी 90° माइनस थीटा। ओके, तो 90° माइनस थीटा, तो कॉस 90° माइनस थीटा विल बी इक्वल टू नॉर्मल वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। बस मुझे नॉर्मल वेक्टर एंड बी वेक्टर निकालना है, जो कि प्लेन देख के तुरंत निकाला जा सकता है। वी कैन सी नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस रूट अंडर लैम्डा k कैप। ओके, एंड बी वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ओके, तो n डॉट b अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो आ जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 2 रूट 2 विच इज इक्वल टू 2 रूट लैम्डा, 2 रूट लैम्डा। अच्छा, मॉड n निकालने की कोशिश करूं तो वो आ जाएगा 2 स्क्वायर 4 1 स्क्वायर 1, तो 5 प्लस लैम्डा, रूट लैम्डा का होल स्क्वायर, है ना। मॉड b निकालने की कोशिश करूं तो रूट अंडर 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 विच इज इक्वल टू 3। तो वैल्यू पुट कर दो भाई, कॉस 90° माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू एन डॉट बी, एन डॉट बी तुम्हारे पास आया 2 रूट लैम्डा, नीचे आ गया मॉड बी रूट अंडर 5 प्लस लैम्डा। साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 1/3, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3। सो यहाँ से एक रिलेशन आ गया, 3 से 3 भी कट गया, वाव। 2 रूट लैम्डा इज इक्वल टू रूट अंडर 5 प्लस लैम्डा, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू 4 लैम्डा, उधर गया 5 प्लस लैम्डा, सो 3 लैम्डा इज इक्वल टू 5, दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 5/3। क्या पूछा गया था? शायद लैम्डा ही निकालने पूछा गया था, 5/3, ऑप्शन नंबर 1। आई होप तुम्हें हर चीज़ समझ में आ रहा होगा एंड एक एक कॉन्सेप्ट सीखते जा रहे होगे। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन दे रहा हूँ, मैं एक एक चीज़ बता भी रहा हूँ किस तरीके सोचा और क्यों ऐसा सोचा, ठीक है। तो चलो बस 5 क्वेश्चन, ओके। तो आगे का क्वेश्चन डाला नहीं गया इसमें, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग कर लेंगे। आज का वीडियो यहीं रहने देते हैं, क्योंकि फिर मुझे वो क्रॉप करके डालना पड़ेगा क्वेश्चन इधर। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा बहुत कुछ, एंड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे यार, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। मतलब तुम कॉन्सेप्चुअली देखोगे तो इतना स्ट्रांग हो जाओगे ना, मतलब तुम ये सोच के देखोगे अगर वीडियो को कि मुझे कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना है, एक एक कॉन्सेप्ट जो सर बता रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को मुझे सीखना है, हवाबाजी नहीं करना है, हवाबाजी नहीं करना है ना। हवाबाजी बहुत लोग कर रहे हैं यूट्यूब पे कि ये कर लो वो कर लो, यहाँ से हो जाएगा, ये कर दो मचा दोगे, रैंक 1 आ जाएगा, रात भर पढ़ो, ये करो। भाई हवाबाजी नहीं, रियलिटी में जियो, रियलिटी में, है ना। रियलिटी क्या है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तुम किस लेवल पे हो, तुम्हें किस लेवल पे जाना है। तुम्हें पता है अगर 99% चाहिए ना, तो अगर तुम 60% मार्क्स भी स्कोर कर लेते हो तो तुम 99% में आ जाओगे, एंड 60% स्कोर करने के लिए तुम्हें 75 क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 45 क्वेश्चन ट्रू करने होंगे। 45 क्वेश्चन तुम 75 क्वेश्चन में करके आ जाते हो तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। दिस मीन्स तुम 30 क्वेश्चन को लीव कर सकते हो, 30 क्वेश्चन लीव कर देंगे ना, क्या दिक्कत है भाई। मुझे मार्क्स से मतलब है, मैं ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, ये वो, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं ये बताने जा रहा हूँ दुनिया को, ठीक है। एंड दुनिया से क्या मतलब है यार, खुद से मतलब है, हमें खुद से मतलब है। खुद अच्छा स्कोर करो, अच्छे कॉलेज में जाओ, जो कॉलेज का ड्रीम रखा था उस कॉलेज में जाओ, उसके लिए पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी एक तैयार करो, प्लान तैयार करो, एंड उस प्लान को फॉलो करो। प्लान को फॉलो करोगे तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा अपने आप,
चलो पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऑल द बेस्ट।